Assalamu alaikum, German Pathies is back with another track. This is a request from a very faithful fan of mine, JP. Keep on requesting, I'm loving your requests. So this one is for you, brother. Yaar Vekho, Sanam Malvi, Season 6 by Rohail Hayat. 1, 2, and 3. There you go. Bura dhundan chaliya, bura dhundan chaliya. जग में बुरा ना कोई हो जे अपने आप दे अंदर वेखिया मुझसे बुरा ना कोई. So true. यार वेखो रंग लाया है दोस्त वेखो रंग लाया है छेनिया दा सुन चमका चम चम छेरिया दा सुन चमका चम चम यार वेखो रंग लाया है को रंग लाया है ना मैं ना सब खुशी पेंदे दरिया रहमत वड़िया कई मन तारू तर तर हारे कोई किनारे चढ़िया सही सलामत पार गयो बाहू जेना मुर्शिद दा लड़ फड़िया रमजे गमजे साज खड़े थे रमजे गमजे साज खड़े थे ओ गावन वाले आया यार कलोई हूँ कलमा यार पढ़ाया बाहू मैं सदा सुहागिन होई हूँ इश्क जिना जिना
First thing first, this was Yaar Rekho Kalam did by Sanam Malvi in season 6, Cook Studios Pakistan. This was done by Rohail Hayat. Rohail Hayat has done some wonders. I was just as I was going through the track. एक कलाम जब मैं सुन रही थी मुझे ऐसा लग रहा था मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाती हूँ फिर आगे ट्रैक पर चलते मैं पाकिस्तान गई मेरी बेटी छोटी सी थी तो उसको इंग्लिश नहीं आती थी और मेरी कज़न की बेटी को जर्मन नहीं आती थी तो दोनों बैठ के बड़ी गूढ़ी बातें करी और हम दोनों सोच रहे कि यार ये दूसरे को समझ कैसे रही है ना तो थोड़ी देर बाद हमें उसकी बेटी ने आके अपनी माँ को बोला कि ये जो आंटी की बेटी है ना ये खाला की बेटी जो है ना ये बड़ी गहरी किस्म की इंग्लिश बोलती है तो मुझे वो बात याद आ गई मैं बहुत अरसे से निकल चुकी हूँ पाकिस्तान से पंजाबी हूँ लेकिन इतनी गहरी पंजाबी मुझे भी समझ नहीं आ रही थी तो मैंने साथ में उसका ट्रांसलेशन ऑन की हुई थी इंग्लिश में जो कि बहुत ही खूबसूरत थी और इनकी आवाज़ सबसे पहले मैं आऊँगी जो इनकी आवाज़ है वो इस कदर खूबसूरत है सरमत मालवी की ओके इसमें उन्होंने बताया हुआ कि ये एक सूफी कलाम है और ये जो कलाम है इसमें दिस इज़ लाइक सोलफुल कलाम और उसमें इन्होंने जो मेन चीज़ जो मुझे समझ आई है नहीं समझ आई तो आप बता दीजिएगा कि वो अपने आप कह रहे हैं शाह हुसैन कि तुम क्या चीज़ हो या तुम अपनी मुश्किल आती है इंसान अपने आप को मुखातिब करके कह रहे हैं कि तुम्हें एक मुसीबतें पड़ गई तो तुम क्या तुम देखो कि कितने कितने लोगों को कितनी कितनी और मुसीबतें पड़ी हुई एक नाम था मज़र हुसैन शायद कि उनको फांसी हो गई थी मैं वापस जाके बीच में देखती हूँ एक शेर मुझे बहुत पसंद आया जुबानी कलमा हर कोई आंखें ज़ुबानी कलमा हर कोई आंखे दिलदा पर्दा कोई हो दिलदा पर्दा कोई हो मतलब कि ज़ुबानी कलामी तो हर कोई कहता है मैं मुसलमान मैं पढ़ा ये मैं वो लेकिन दिल से मुसलमान होना जो है दिल के अंदर से जो है वो कबूल करना खुदा की ज़ात को और अपने आप को सबमिट करना ला इलाहा इल्लल्लाह वाला बहुत कम लोगों को नसीब होता है और जिनको नसीब हो जाए वो भी इस कलाम में था कि जिनको नसीब हो जाए उनको और फिर दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं लगता बिकॉज ये वही बात है बेसिकली फिर बात वहीं पे आ जाती है कि अगर आप जब आप एक दफ़ा अपने आप को सबमिट कर देते हैं और आप अपनी सबमिशन में
पूरे हो जाते हैं, लाइक यू रियली सबमिट अपना दिल और जान से, आप अपने आप को, अपनी जात को, अपनी मैं को, सबसे बड़ी ईगो को आप अल्लाह के आगे जब सबमिट कर देते हैं इल्ला, तो उसके बाद आपको दुनिया की कोई चीज़ जो है वो अट्रैक्ट नहीं करती है, क्योंकि आप असल हकीकत को पहचान चुके होते हैं। इनकी आवाज़ इस कदर सोलफुल थी, इस कदर सूदिंग थी कि दिमाग को ऐसे जैसे सुकून सा आ गया आवाज़ इनकी सुन के। और जैसे पहले अगर आपने बिहाइंड द सीन्स में देखा होगा तो उन्हें बताया था कि ये पहले मशहूर नहीं थी, ये इस रोहेल हयात के ही सीज़न 3 से मशहूर होना शुरू हुई हैं। और हैट्स ऑफ टू यू कोक स्टूडियोज़ फॉर फाइंडिंग सच टैलेंट, एंड थैंक यू वेरी मच जेवी फॉर सजेस्टिंग मी दिस ब्रदर। कीप ऑन सजेस्टिंग, टिल देन चिमन परदेसी मिलते जित सरुक।